Goodness. I thought let us talk a little about the meaning of forgiveness, and then we'll do a meditation related to it. So we all know what is forgiveness, right? Forgiveness यानी क्षमा, क्षमा करना, किसी को फॉरगिव करना यानी क्षमा करना, राइट? नॉर्मली जब हम सोचते हैं कि किसी को क्षमा करना है तो इजीली हमसे नहीं होता है, राइट? इजीली हमसे नहीं होता है. क्षमा कब करनी होती है? यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिए या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हमारे अंदर उसके प्रति बहुत क्रोध आ जाता है. कभी कभी वी वॉन्ट टू टेक रिवेंज, हम बदला लेना चाहते हैं, और हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि अब हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे और हम इस घटना को कभी नहीं भुला पाए. यही सब विचार आते हैं ना हमारे अंदर. अगर हमारे साथ गलत होता है तो मोस्टली यही सब विचार आते हैं, और इनके कारण क्या होता है, वी हमारे अंदर इतना क्रोध भर जाता है कि हम उसे अंदर दबा लेते हैं. मैक्सिमम टाइम्स हम उसे अंदर दबा लेते हैं, और जैसा आप लोग सबको पता है, इमोशंस को यदि हम अंदर दबाते हैं तो वो बीमारियों का रूप लेते हैं. व्हेन वी सप्रेस आवर इमोशंस, दे लीड टू डिजीजेस. सो फॉरगिविंग समबडी, किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि हमने उसकी गलती को भुला दिया है, और ना ये है कि हम उससे वापस रिकनसाइल करना चाहते. फॉरगिवनेस एक निर्णय हम अपने अंदर लेते हैं, विच इज अ कॉन्शियस डिसीशन ऑन आवर पार्ट टू रिलीज द फीलिंग्स ऑफ रिवेंज, एंगर, विच वी आर नर्चरिंग इन साइड. किसी को माफ करके हम अपने अंदर के जो क्रोध है, बदले की जो भावना है, उससे रिलीज करते हैं. इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उसे माफ कर दिया, यानी कि हम भूल गए कि उसने हमारे साथ क्या किया, क्या हम उस घटना को भूल गए. और न ये जरूरी है कि हम वापस, हमारा उनसे रिश्ता अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा. वी विल रिपेयर द रिलेशनशिप, बट दैट डजंट मीन वी रिकनसाइल विद द पर्सन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. हमारा जो रिश्ता बिगड़ा था उसे हम थोड़ा जोड़ लेंगे, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे अंदर वापस उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही प्यार रहेगा या हम वापस उसके साथ उतना प्रेम से रह पाएंगे. वह जरूरी नहीं है. मगर हमें क्षमा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपने आप के लिए करना. अब कोई यदि हमसे कुछ गलत शब्द कह देता है या हमारे साथ कुछ गलत कर दे, तो उस व्यक्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता. वह तो कहकर निकल जाता है और शायद भूल भी जाता है कि उसने क्या कहा किसी से, या उसे हर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो ध्यान नहीं देता. प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे ऊपर, राइट? हम प्रभावित होते हैं, हम हमारे अंदर दुखी होते हैं, हमें गुस्सा, अंदर गुस्सा भरता है या दुख हो जाता है, तो हम फॉरगिव करके, माफ करके, हम अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, हम उसे हेल्प नहीं कर रहे. हमें क्या लगता है, नहीं मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और हमें लगता है ऐसा करके हम उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है या जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने ऐसा किया, उन्हें कोई फर्क नहीं, फर्क हमें ही पड़ता. तो हमें अपनी शांति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए हमें क्षमा करना बहुत जरूरी. उससे फायदा सिर्फ हमें ही होता, और हमारे अंदर का गुस्सा ठीक होता है. और जब हम मन शांत हो जाता है तब हम रियलाइज करते हैं कि हम उस इमोशंस को अपने अंदर जो बार बार दोहरा रहे थे, उस घटना को जो बार बार हम याद करके दुखी होते रहते हैं, उसके कारण हम वो फील नहीं कर पाए कि हमें, हमारे ऊपर क्या बीता, और हमें कैसे हम हील नहीं कर पाए. जब हम एक बार क्षमा कर देंगे, वो जो इमोशन निकल जाएगा हमारे अंदर से, तब हम अपने आप को भी हील कर पाएंगे, और जो गहराइयों में जो दबा था उसे रिलीज कर
हम हल्कापन महसूस करें। इसीलिए फगीवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में क्यों करना है, यदि हमको अवेयरनेस रहती है हमारे साथ कोई गलत करता है, कभी कभी हो जाता है, हमारे अपने ही हमें हर्ट कर देते हैं, तो उसी समय हमें उसे फगिव कर देना चाहिए। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर अपने मन में उसे फगिव कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, हम अंदर तक दुखी नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम शायद हम भुला नहीं पाएंगे, मगर नेक्स्ट टाइम हम उतना अफेक्ट नहीं होंगे। आप लोग एग्री करते हैं मेरे से, क्यों हाँ, फॉरगिवनेस यस जरूरी है, राइट? यस फॉरगिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भी अपने आप गिल्टी फील करते हैं अगर फॉरगिव नहीं करेंगे किसको, क्योंकि गिफ्ट कर देते हैं, मगर माफ करना और जो झुकता है लाइफ में वो हमेशा ऊपर आता है कहते हैं, तो दूसरे को हमेशा हम लोगों को फॉरगिव करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि उसको मालूम नहीं हो क्या क्या सोच के ऐसा बोला, उसके मन में क्या था, तो हम लोग को फॉरगिव जीसस करना क्राइस्ट ही ने भी यही चाहिए। बात कही, जीसस क्राइस्ट ने भी यही बात कही थी कि वी शुड फॉरगिव समबडी हु इज हर्टिंग अस बिकॉज ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, यस, ही इज इग्नोरेंट, वी हैव टू लर्न फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हाउ ही हाँ, फॉरगिव एवरीवन हु डिड रॉन्ग टू हिम, बिकॉज ही यस, सेड हाउ दे ही डोंट नो फॉरगिव, व्हाट ही इज डूइंग, दे आर डूइंग, या दे आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट एज अवेयर एज अस, सो या वी शुड फॉरगिव। और एक और व्यक्ति थे, नेल्सन मंडेला, आप सबने उनका नाम सुना होगा, जो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो उसके पहले यदि आप लोग जानते हैं, ही हैड गॉन टू जेल, ही हैड बीन इम्प्रिजन्ड बिकॉज ही वाज फाइटिंग फॉर द ब्लैक्स, द राइट्स ऑफ द रेसिस्ट ब्लैक, मूवमेंट, या द राइट्स ऑफ द ब्लैक इन द रेसिस्ट मूवमेंट, ही वाज पार्ट ऑफ इट, सो ही वाज इम्प्रिजन्ड, एंड इन जेल इन प्रिजन ही वाज tortured, his letters would not be given to him, the supervisors were really torturing him, he was made to sleep on a stone, he was not even given a bed, and but when he was released from the jail, somebody asked him, how are you feeling? He said, I am feeling free today, and I have forgiven all these people. So they said, how can you do it? He said, if I don't forgive them, then I'm going into another prison, prison of my mind. Because he became the president, it is said that during the swearing in ceremony, जिस दिन उनको प्रेसिडेंट की ओथ लेनी थी, he invited the supervisor of the jail and other inmates also, because he wanted to, he had already forgiven them. So this is the quality of forgiveness. We become free. By forgiving others, we are becoming mentally free. That is what we have to understand. And at the same time, we should forgive ourselves also. It is easy to forgive others, but it is very difficult to forgive ourselves. Do you all agree with me? Have you ever felt that you have done a mistake, but you are unable to forgive yourself? You are feeling so guilty that guilt is eating you from inside, but you are unable to forgive yourself. So that is more important, to be able to forgive yourself. We have to understand that even if we have done a mistake, it's okay to make mistakes, and we did not done anything intentionally. We do what we think is best according to our thoughts, our beliefs. But if after that we realize that we have done a mistake, we should forgive ourselves. And we learn, because everyone learns from mistakes. We should not be so hard on ourselves and keep feeling guilty about it and let that guilt eat ourselves from inside. Guilt is the strongest emotion which eats us from inside. It affects our cells, our muscles, our tissues, and leads to maximum lifestyle diseases like cancer, depression, diabetes. All these lifestyle diseases are a result of our suppressed emotions. And guilt is one emotion
which is very strong. So we have to be careful that we should not let that guilt stay inside us. We have to forgive us. This is the quality of forgiveness which we all have to imbibe in our lives. So I'm sure most of us are already doing it, but if there is still little bit left in us, I think we should work on it and practice the quality of forgiveness in our daily life. Right? So now we will move towards the meditation, and in this meditation, we will go deep inside, and I will try to help you recollect any one incident where you are still nurturing, not consciously but subconsciously, that feeling of anger, or maybe that feeling of guilt is still inside you, which we will try to release to. Okay? Maybe you don't remember, but when we go inside, sometimes it comes up. So is everyone ready for that journey today? Journey of going within and releasing one suppressed emotion. Okay? I want everyone to get ready for the meditation. You may take off your glasses and become comfortable wherever you're sitting. आप लोग जहां भी बैठे हैं, एक आरामदायक पोस्चर में बैठ जाएं। 20 मिनट्स का मेडिटेशन होगा। अगर आप लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, तो लेट भी सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें जब भी आप लोग तैयार हो जाएं। Gently close your eyes. Bring your awareness to your body. For the next 20 minutes, tell yourself, I have chosen this time for myself. No outside distractions can affect me. Now bring your attention to your body and consciously relax your whole body from the top of your head to the tips of your toes. Now we will take three long and deep breaths, inhaling from the nose, exhaling from the mouth. With every exhalation, you are relaxing your body. Bring your awareness to your normal, natural, soft, tranquil breath. अपना ध्यान अपनी स्वाभाविक सांसों पर रखें।
अपनी नासिकाओं पर ध्यान दे जाएं और देखें अपने अंदर आती बाहर जाती सांसों को सिर्फ देखना है, चाहे वह लंबी है या छोटी है। शालो ऑन या डी, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ एज यू ब्रीद इन एंड यू ब्रीद आउट। मन में विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें, उनके साथ जुड़े नहीं, अपने मन को पुनः अपनी सांसों पर लें। महसूस करें हर सांस के साथ आपके भीतर प्राण शक्ति का प्रवाह हर बाहर आती सांस के समय आपके भीतर से सारी चिंताएं, सारे भय, सारा क्रोध बाहर निकल रहा है। बने रहे इन आती जाती सांसों के संग, हर सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका मन शांत, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड फील द रिलैक्सेशन इन योर बॉडी एंड द पीस इन योर माइंड। अब मैं चाहूंगी कि आप कल्पना करें कि आप एक सुंदर गार्डन में हैं,
अपने आप को उस गार्डन में देखी, चारों ओर हरियाली है, द कूल ब्रीज इज ब्लोइंग ऑन योर फेस, जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन, द बर्ड्स चिरपिंग, फील द पीस एंड कामनेस एंड एंजॉय। टेक अ वॉक इन दिस ब्यूटिफुल गार्डन, एज यू आर वॉकिंग देखिए थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पेड़ है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। उस पेड़ की छाया में एक व्यक्ति खड़ा है, दूर से आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को उस पेड़ के पास ले जाएं, और दूर से देखें क्या आप पहचानते हैं इस व्यक्ति को। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने आपको दुख पहुंचाया था और पास जाकर देखी। उसे देखकर आपके भीतर क्या हो रहा है, क्या आपको वही घटना याद आ रही है। क्या आपके मन में उसके प्रति आज भी नाराजगी है। जो भी फील हो रहा है आपको उसे महसूस करें। यदि क्रोध आ रहा है उस क्रोध को महसूस करें अपने अंदर, फील द एंगर इनसाइड यू, बिकॉज फीलिंग इज रिलीविंग। जब हम महसूस करते हैं अपनी भावनाओं को तो हम उन्हें रिलीज करते हैं अपने भीतर से। अब उस व्यक्ति के और करीब जाएं, और उससे कहें पहले अपने आप से पूछें क्या आप उसे माफ कर सकते हैं। आर यू रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन। क्योंकि हम सभी प्यार चाहते हैं जीवन में, वी ऑल वॉन्ट लव एंड अप्रूवल, ऑल्दो वी मेक मिस्टेक्स।
यदि आप तैयार हैं उसे माफ करने के लिए, तो उससे कहें, आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द हर्ट दैट यू हैव गिवन मी। जाने अनजाने में आपने मुझे जो भी दुख पहुंचाया, उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ। इस जीवन से या पूर्व जन्मों से मैं आपको माफ करती हूँ और आपको आजाद करती हूँ। आपको आजाद करके मैं खुद को भी आजाद करती हूँ। गहरी सांस लेती हूँ, इस फॉरगिवनेस को महसूस करें। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं आपको भी माफ कर पाई और खुद को भी आजाद कर पाई। साथ ही साथ मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ यदि मैंने आपको किसी तरह से कोई दुख पहुंचाया है, इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में। मेरी सांस लेकर इन शब्दों को अपने भीतर जाने दें। और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति से विदा लें, सेइंग गुड बाय टू दिस पर्सन। लौट कर अपने उसी गार्डन में आ जाएं। और महसूस करें जो भी आपके भीतर हो रहा है, उसे आज आपने हिम्मत की, अपने आप को शाबाशी दी कि आपने अपने भीतर से कुछ उन नकारात्मक इमोशंस को रिलीज किया। और अब अपने आप से भी कहें कि मैं तुम्हें भी माफ करती हूँ, तुमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की, हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। खुद को माफ करके महसूस करें कि आपने अपने भीतर के गिल्ट को भी रिलीज कर दिया है। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके भीतर दबी हुई गिल्ट आपके भीतर से बाहर जा रही है। आपका शरीर हल्का हो गया है। इन फीलिंग्स के साथ धीरे धीरे लौट कर आए अपने कमरे में। तीन गहरी लंबी सांसें लेते हुए वापस लौट आए इस प्रेजेंट मोमेंट में।
बिकम अवेयर ऑफ योर रूम, ऑफ द प्लेस वेर यू आर सिटिंग. फील योर बॉडी कंप्लीटली. कंटिन्यू टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ. फाइव काउंट्स में हम पूरी तरह से लौटेंगे. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो. आप पूरी तरह से लौट आए हैं. अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं. दोनों हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पर रखें. दो क्षण के लिए वहां रुकें. व्हेनेवर यू आर रेडी, you may open your eyes. You can take one more minute.